दोस्तों अगर आप भी आईपीएल 2024 में 15वें महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स की महाटक्कर से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है तो हमारी वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है एक से एक रोमांचक महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आईपीएल 2024 के अंतर्गत 15वां महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला गया। इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया। तो आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी में लखनऊ सुपर जायंट्स का जलवा रहा, सब कुछ आपको इस ब्रांड वीडियो में हाईलाइट बता रहे हैं। जहां पर मुकाबले की शुरुआत की बात करें, शुरुआत में बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और लखनऊ कप्तान केएल राहुल को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल बतौर ओपनर उतरे, जबकि पहला ओवर लेकर बेंगलोर की तरफ से री स्टॉप ले आए थे, जहां पहले ही ओवर में 3 शानदार चौके लगाकर 12 रन लगा दिए गए क्विंटन डी कॉक के द्वारा और री स्टॉप प्ले को अच्छी पिटाई लगाई गई। जहीं पर दूसरे ओवर में एस दयाल गेंदबाजी करने आए तो शानदार एक चौका लगाकर क्विंटन डी कॉक ने 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 19 रन पर पहुंचा दिया। वहीं पर क्विंटन डी कॉक का तूफान तो तीसरे ओवर में असल में आता है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर चौथी और पांचवी गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए। इस ओवर में कुल 13 रन दिए और 3 ओवर में टीम शानदार 32 रन पर पहुंच गई थी। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने मिलकर अपनी टीम में 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी, जहां पर दोनों ने मिलकर अपनी टीम आगे बढ़ाया। पांचवें ओवर में एस दयाल को लोकेश राहुल ने एक छक्का लगाया, जबकि ग्लेन मैक्सवेल को लोकेश राहुल ने 6वें ओवर में एक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया, जहां पर 53 रन इन दोनों की जोड़ी बना चुकी थी। मगर फिर तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल लोकेश राहुल को मयंक डागर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 20 रन बनाकर लोकेश राहुल पवेलियन चले जाते हैं, मगर 53 रन पर पहला विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स होती है। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो दोनों के बीच में क्विंटन डी कॉक और देवदत्त पड्डीकल अच्छी पारी खेलते हैं। 9वें ओवर में एक छक्का क्विंटन डी कॉक के द्वारा लगाया जाता है, मगर मोहम्मद सिराज 9वें ओवर में देवदत्त पड्डीकल को 5वीं गेंद पर अनुज रावत विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। देवदत्त पड्डीकल आज 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 73 रन के स्कोर पर आज लखनऊ ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने आए और फिर क्विंटन डी कॉक और मार्कस स्टोइनिस ने बेहतरीन साझेदारी की, जहां 11वें ओवर में तो क्विंटन डी कॉक मार्कस स्टोइनिस ने कैमरॉन ग्रीन को पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और 12वें ओवर में तो मयंक डागर गेंदबाजी करने आए तो क्विंटन डी कॉक ने एक चौका और एक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 12 ओवर में 102 पर पहुंचा दिया और शानदार क्विंटन डी कॉक अपने 8 शतक बना चुके थे, जबकि मार्कस स्टोइनिस उनका साथ दे रहे थे। जहां पर 13वें ओवर में कैमरॉन ग्रीन को क्विंटन डी कॉक एक छक्का लगाते हैं तो मार्कस स्टोइनिस एक और छक्का इसी ओवर में लगा देते हैं। इस ओवर में कुल मिलाकर 19 रन दिए जाते हैं और 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर में आज लखनऊ की टीम 121 पर पहुंच चुकी थी और क्विंटन डी कॉक और मार्कस स्टोइनिस के बीच में जो साझेदारी थी वो बेहद ही शानदार आगे बढ़ती जा रही थी। बाकी फिर 14वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करते हैं, पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया जाता है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर और अपने स्कोर को आगे बढ़ाया जाता है, जहां पर दोनों के बीच में 56 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 129 पहुंच चुका था, मगर फिर 14वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को ग्लेन मैक्सवेल मयंक डागर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। स्टोइनिस ने इस महामुकाबले में 24 रन की पारी खेली और पवेलियन वह भी चलते बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन आते हैं और क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ाते हैं। क्विंटन डी कॉक अपना तूफानी अंदाज 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज को दिखाते हैं और 2 चौके लगाकर इस ओवर में कुल 10 रन लिए जाते हैं और टीम 3 विकेट खोकर 16 ओवर में 141 रन पहुंच गई थी। मगर फिर जब क्विंटन डी कॉक शानदार 81 रन बना चुके थे 143 पर उनकी टीम खेल रही थी, पारी के 70वें ओवर में री स्टॉप ले गेंदबाजी करने आते 34 गेंद पर मयंक डागर के हाथों क्विंटन डी कॉक को कैच आउट करा देते हैं और आज 81 रन बनाकर क्विंटन डी कॉक अपनी टीम का साथ छोड़कर चले गए, मगर 143 पर टीम को पहुंचा गए थे। इसके बाद फिर निकोलस पूरन का साथ देने के लिए शानदार बल्लेबाज आयुष बदौनी आते हैं, मगर फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर यश दयाल की गेंद को निकोलस पूरन चौके के लिए भेज देते हैं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यश दयाल फाफ डुप्लेसिस के हाथों आयुष बदौनी को कैच आउट करा देते हैं और बिना कोई खाता खोले आयुष बदौनी पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद निकोलस पूरन का साथ देने के लिए दूसरे छोर पर कृणाल पांडे आते हैं, मगर फिर पारी का 19वां ओवर बेहद महंगा साबित होता है। री स्टॉप ले को दूसरी तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 3 छक्के निकोलस पूरन के द्वारा लगाए जाते हैं। इस ओवर में कुल 20 रन दिए जाते हैं। इसके बाद फिर 20वें ओवर में तो निकोलस पूरन मोहम्मद सिराज को 2 छक्के लगा देते हैं और शानदार 5 विकेट खोकर 181 रन निर्धारित 20 ओवर में बेंगलोर के सामने आज लखनऊ सुपर जायंट्स बना लेती है। 21 गेंदों में 40 रन बनाकर निकोलस पूरन ने तबाही मचा दी थी। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार बल्लेबाजी ने 182 रन का लक्ष्य बेंगलोर को दिया था और बेंगलोर के द्वारा जब 182 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 शेर उतरे, उनका नाम था विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस, जबकि पारी का पहला ओवर लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से एम सिद्धार्थ आए और पहले ओवर में महज 3 रन दिए गए, मगर फिर दूसरे ओवर में कृणाल पांडे
आते तो विराट कोहली उनको एक चौका लगा देते हैं। पारी के तीसरे ओवर में एम सिद्धार्थ फिर से आते तो फाफ डुप्लेसिस उनको दो चौका लगा देते हैं और जैसे तैसे करके टीम तीन ओवर में 25 रन पर पहुंच गई थी। वहीं पर नवीन उलहक चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, विराट कोहली उनको शानदार एक छक्का तीसरी गेंद पर लगा देते हैं। इसमें बल्लेबाज ने मैच टाइमिंग का साथ लिया था और लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया था। वहीं पर फाफ डुप्लेसिस इस ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर में 11 रन लेते हैं और फिर 4 ओवर की समाप्ति पर आज बेंगलोर 36 रन बना चुकी थी। मगर पांचवें ओवर में विराट कोहली एम सिद्धार्थ को पहली गेंद पर चौका लगाते हैं और दूसरी गेंद पर एम सिद्धार्थ विराट कोहली को देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। विराट कोहली ने आज इस महामुकाबले में महज 22 रन का सहयोग दिया और पवेलियन चलते बने और 40 रन पर बेंगलोर को पहला झटका लगा। इसके बाद फाफ डुप्लेसिस का साथ देने के लिए शानदार रजत पाटीदार को भेजा जाता है, मगर मयंक यादव जो कि आईपीएल 2024 के सबसे तेज गेंदबाज हैं गेंदबाजी करने छठवें ओवर में आते हैं और पहली गेंद पर फाफ डुप्लेसिस को शानदार देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। पहली गेंद पर गेंद करते हैं और देवदत्त पड्डीकल डायरेक्ट हिट लगाकर फाफ डुप्लेसिस को रन आउट कर देते हैं। 19 रन बनाकर डुप्लेसिस भी पवेलियन चलते बंदे हैं और 42 पर दूसरा झटका बेंगलोर को लगता है। इसके बाद फिर ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आते हैं तो फिर मयंक यादव इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार निकोलस पूरन के हाथों ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर देते हैं, जहां पर इस महामुकाबले में 43 पर तीसरा झटका बेंगलोर को लगता है और रजत पाटीदार का साथ देने के लिए फिर कैमरॉन ग्रीन को बुलाया जाता है और 48 पर 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर बेंगलोर पहुंच गई थी। इसके बाद फिर कैमरॉन ग्रीन 8वें ओवर में मयंक यादव को तीसरी गेंद पर शानदार शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के ऊपर से चौका लगा देते हैं, मगर फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मयंक यादव कैमरॉन ग्रीन को शानदार बोल्ड आउट कर देते हैं। स्टंप उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मैच 9 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन पवेलियन चले जाते हैं। 58 रन पर बेंगलोर अपने 4 अहम ऊपरी विकेट खो चुकी थी। फाफ डुप्लेसिस के चेहरे पर साफ साफ हवाइयां उड़ी दिखाई दे रही थी और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रेशर बनाकर बेंगलोर के बल्लेबाजों को चकनाचूर कर दिया था। आलम यह था कि 10वें ओवर तक एक बाउंड्री भी नहीं लगाई गई। फिर 10वें ओवर में यश ठाकुर आते हैं, चौथी गेंद पर रजत पाटीदार उनको एक छक्का लगाते हैं और 11वें ओवर में रवि बिश्नोई आते हैं तो रजत पाटीदार उनको 5वीं गेंद पर छक्का और 6वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 13 रन लेते हैं और 12 ओवर में जैसे तैसे करके टीम 4 विकेट खोकर 85 रन बना पाई थी और अनुज रावत और रजत पाटीदार के बीच में शानदार साझेदारी हो रही थी। मगर इसके बाद अनुज रावत कुछ कर पाते 13वें ओवर में जब टीम 94 पर पहुंची थी। 11 रन बनाकर अनुज रावत खेल रहे थे। देवदत्त पड्डीकल के हाथों मार्कस स्टोइनिस अनुज रावत को कैच आउट कराकर 35 रन की साझेदारी का अंत कर देते हैं। 5वां विकेट 94 पर बेंगलोर का गिरता है। इसके बाद महिपाल लोमरोड बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर यश ठाकुर को शानदार चौका लगाते हैं और 103 पर 14 ओवर में टीम 5 विकेट खोकर पहुंच गई थी। इसके बाद रजत पाटीदार कुछ कर पाते तो मयंक यादव 15वां ओवर लेकर आते हैं। पारी के 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार देवदत्त पड्डीकल के हाथों मयंक यादव कैच आउट कराकर अपना इस पारी का तीसरा विकेट झटक लेते हैं। रजत पाटीदार 30 रन बनाकर पवेलियन चले गए और शानदार 103 पर 6वां विकेट आज बेंगलोर का खो गया था और 104 रन बनाकर बेंगलोर खेल रही थी। इसके बाद 16वें ओवर में महिपाल लोमरोड बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। यश ठाकुर उनको शानदार गेंदबाजी करते हैं, दिनेश कार्तिक भी साथ देते हैं। इस ओवर में दूसरी गेंद पर यश ठाकुर को महिपाल लोमरोड शानदार छक्का लगाते हैं जबकि तीसरी गेंद पर एक चौका और चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 19 रन दिए जाते हैं और 16वें ओवर की समाप्ति पर 123 रन बनाकर 6 विकेट खोकर बेंगलोर की टीम खोल रही थी जबकि 8 गेंदों में महिपाल लोमरोड ने 22 रन बना लिए थे। इसके बाद महिपाल लोमरोड 17वें ओवर में नवीन उलहक को दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का 98 मीटर का मारते हैं। तीसरी गेंद पर शानदार एक चौका लगाया जाता है। इस ओवर में शानदार पारी खेल रहे थे मगर फिर नवीन उलहक आते हैं, 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 4 रन बनाकर दिनेश कार्तिक आज पारी का छांट छोड़कर चले जाते हैं। अब फिर 17वें ओवर में 13 रन दिए जाते हैं और 136 पर टीम 7 विकेट खोकर पहुंच जाती है। मयंक डागर महिपाल लोमरोड का साथ देने आते हैं और ऐसे में अब बेंगलुरु 18 गेंदों में 46 रन की जरूरत थी और फिर यश ठाकुर 18वां ओवर लेकर आते हैं और पहली गेंद पर मयंक डागर को बिना कोई खाता खोले रन आउट करवा देते हैं। 137 पर 8वां बेंगलुरु का विकेट खो चुकी थी। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यश ठाकुर को महिपाल लोमरोड एक शानदार छक्का लगाने की कोशिश करते हैं मगर बाउंड्री पर खड़े निकोलस पूरन उनका गजब का कैच पकड़ लेते हैं। 33 रन बनाकर महिपाल लोमरोड आज पवेलियन चलते बनते हैं और 9वां विकेट 138 पर बेंगलुरु का खो जाता है। ऐसे में पूरी बेंगलोर की बल्लेबाजी धाराशाही हो गई थी और 138 रन 9 विकेट खोकर 18 ओवर में बना पाई। ऐसे में फिर पारी के 19वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं। मोहम्मद सिराज 5वीं और 6वीं गेंद पर दो गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अपनी टीम को बेहद ही शानदार आगे बढ़ाते हैं। अब आखिरी 6 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता थी। बल्लेबाजी करने के लिए रीस्टॉप ले और मोहम्मद सिराज मौजूद थे जबकि आखिरी ओवर लेकर नवीन उलहक आते हैं। इस ओवर की 14वीं गेंद पर नवीन उलहक मोहम्मद सिराज को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कराकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक शानदार कैच थमाते हैं और मोहम्मद सिराज इस महामुकाबले में अपना विकेट गंवाकर अपनी टीम को ऑल आउट देखते हैं, जहां पर
28 रनों के महाअंतर से लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया और पॉइंट टेबल में 2 अहम अंक प्राप्त करके चौथा स्थान हासिल कर लिया, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अपने ही घर में बेहद शर्मनाक हार रही। इस महामुकाबले में मयंक यादव ने 3 विकेट लिए। बेहतरीन गेंदबाजी करने के कारण उनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि निकोलस पूरन और क्विंटन डीकॉक ने शानदार बल्लेबाजी की। ऐसे लखनऊ के शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।